नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। उत्तराखंड में फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 1413 नए केस आए हैं और देहरादून में सबसे ज्यादा 24 घंटे में 505 नए मामले दर्ज किए गए हैं। उसके बाद हरिद्वार में 299 और उसके बाद नैनीताल में 139 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पौड़ी गढ़वाल में 147, उधम सिंह नगर में भी 203 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो उत्तराखंड में भी कोरोना विस्फोट लगातार जारी है। कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 1413 नए मामले सामने आए हैं 24 घंटे में और सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज अगर किसी शहर में सामने आ रहे हैं तो देहरादून, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना विस्फोट हुआ है। बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 1413 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 4000 के पार पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है और देहरादून में 505 और हरिद्वार में 299, नैनीताल में 139 नए मामले सामने आए हैं। वहीं उधम सिंह नगर के सितारगंज में एक स्कूल में 55 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बीते 7 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग स्कूल में वैक्सीनेशन कराने गया था और इस दौरान 155 बच्चों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें 55 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। उधर कोरोना के हालात को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क नजर आ रहा है। 20 अस्पताल श्रीनगर में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मॉक ड्रिल और एक अहम बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चर्चा हुई है। मेडिकल कॉलेज में मौजूदा 80 वेंटिलेटर फंक्शनल हैं और इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के पास 2 ऑक्सीजन प्लांट भी हैं। मेडिकल कॉलेज में 500 ऑक्सीजन बेड हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए चमोली, टिहरी, पौड़ी और श्रीनगर के 30 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही इंटरनल ट्रेनिंग भी कराई जा रही है। 3 के LPM के हैं, 2 5 LPM के हैं और 204 हमारे फंक्शनल हैं। आज हमने उसकी मॉक ड्रिल भी कर ली है। हमारे पास 80 वेंटिलेटर्स हैं, वो सारे के सारे फंक्शनल हैं। हमने जो है ICU के 50 बेड तैयार किए, वो सारे फंक्शनल हैं। और 400 हमारे पास 500 बेड जो हैं ऑक्सीजन वाले हैं, वो हमारे पूरे फंक्शनल हैं। हमारी पूरी जो ICU की टीम है, पीडियाट्रिक टीम है, अन्य टीम है, पूरी जो है हमने तैनात है। इसके लिए ट्रेनिंग भी हमने शुरू कर दी है। और उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद होते ही सभी दल अपने मिशन में जुट गए हैं। प्रत्याशी चयन के साथ नई गाइडलाइन के मुताबिक चुनाव प्रचार को लेकर रणनीति बनाने का काम जोरों पर है। उत्तराखंड का चुनावी दंगल, तैयारियों में जुटे सियासी दल। चुनाव तारीखों की घोषणा होते ही पहाड़ की राजनीतिक फिजा बदल गई है। सभी सियासी दल चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। प्रत्याशी चयन से लेकर जनता को रिझाने के लिए डिजिटल प्रचार को लेकर मंथनों का दौर जारी है। बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो पार्टी उम्मीदवारों के चयन में जुट गई है। प्रत्याशी चयन के लिए बीजेपी पर्यवेक्षक पूर्व सांसद बलराज पासी और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री तरुण बंसल बागेश्वर पहुंचे, जहां पर्यवेक्षकों ने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। यहाँ कपकोट विधानसभा के लिए आया था, मेरे साथ मेरे सहायक के रूप में तरुण जी हैं और हम लोगों ने सारे कार्यकर्ताओं की जो है व्यक्तिगत रूप से भी वार्ता की, उनकी सहमति भी प्राप्त की और उसका जो है पूरी सहमति उनकी जो है हम प्रदेश तक पहुंचा देंगे और प्रदेश शीघ्र ही उसमें जो है पैनल बनाकर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है शीघ्र घोषित हो। कांग्रेस पार्टी भी चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन के मुताबिक चुनाव प्रचार को लेकर रणनीति बनाने में लग गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत खुद प्रचार की कमान संभाले हैं। हरीश रावत 2022 के चुनाव में कांग्रेस की सत्ता में वापसी का दावा करते नजर आ रहे हैं। सारे संघर्षशील वर्गों से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, हम आपकी समस्याओं का सहानुभूति पूर्वक न केवल मनन करेंगे बल्कि अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करके उनका समाधान भी ढूंढेंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी भी मिशन उत्तराखंड के अभियान को तेज कर चुकी है। नया उत्तराखंड बनाने के चुनावी नारे के बीच उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 7 वर्चुअल सभाओं की तारीखों का ऐलान किया है। 10 जनवरी को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, 11 जनवरी को सांसद संजय सिंह, 12 जनवरी को राजेंद्र पाल,
13 जनवरी को सौरभ भारद्वाज, 14 जनवरी को आतिशी मार्लेना, 15 जनवरी को सत्येंद्र जैन और 16 जनवरी को गोपाल राय वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। इस बार जो इलेक्शन है वो उत्तराखंड में सरकार बनाने का नहीं है, इस बार इलेक्शन है उत्तराखंड को इन बीजेपी और कांग्रेस ने जो बुरी तरह से तोड़ दिया है उस टूटे हुए उत्तराखंड को दोबारा से बचा करके नवनिर्माण करने का। आज आम आदमी पार्टी के पास कोई 18 लाख के करीब ऐसे डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन जो लोगों के हो रखे हैं वो डेटा है, तो उनके पास तो केडर वाला होगा कि बीजेपी वाला कांग्रेस में टूट के जा रहा है, कांग्रेस वाला बीजेपी में टूट के जा रहा है, उनका कैडर को समझ में नहीं आ रहा है मैं किस में जाऊँ। लेकिन हमारे पास में तो जो ज़रूरत है जनता की, उस जनता का असली सोच वाला रजिस्ट्रेशन जो डेटा है, तो हमको ये ना देखा जाए कि उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोटिंग होगी जबकि 10 मार्च को चुनावी नतीजे आएंगे और ऐसे में देखना ये होगा कि प्रदेश में इस बार दोबारा सत्ता में वापसी कर बीजेपी इतिहास रचेगी या फिर हर बार नई सरकार का सिलसिला चलता रहेगा। टीम न्यूज स्टेट। और देहरादून में उत्तराखंड आपके सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने एक बार फिर से बीजेपी पर जुबानी हमला किया है। बीजेपी के जश्न पर तंज कसते हुए कोठियाल ने करारा हमला किया और इस दौरान कोठियाल ने बीजेपी पर कई सवाल भी उठाए हैं। क्या इन्होंने इस चीज का जश्न मनाया कि अभी विधानसभा में बैकडोर एंट्री से इन्होंने 69 भर्तियां करी है प्रेमचंद अग्रवाल जी ने, उन 69 वैकेंसीज में से 32 वैकेंसी ऐसी हैं जिसका टेस्ट ही नहीं हुआ। क्या इन्होंने इस चीज का जश्न मनाया? क्या इन्होंने इस चीज का जश्न मनाया कि इससे पहले 2017 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने भी 158 ऐसी बैकडोर एंट्री भर्तियां कराई थी और बीजेपी ने उस टाइम पे हल्ला करा था, लेकिन 5 साल हो गए बीजेपी को यह सरकार में, जब सरकार में आई किसी को सवाल नहीं करा, चुपचाप बैठे हुए। तो इस चीज़ का जश्न मनाने के लिए 8 करोड़ खर्च करके आ रहे हैं, हम कहते हैं तारीफ है उसका। आम आदमी पार्टी, आम जनता इस चीज़ का जश्न मनाएगी कि इन दोनों को उखाड़ के साइड में करेगी। और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ में वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में कर्नल अजय कोठियाल, प्रभारी दिनेश मोहनिया और सह प्रभारी परवीन देशमुख और राजीव चौधरी शामिल हुए। बैठक के दौरान प्रदेश में पार्टी की अगले 35 दिन के लिए चुनावी रणनीति तैयार की गई है। आप उत्तराखंड में डोर टू डोर कैंपेन चलाने जा रही है और साथ ही साथ रैलियां भी डिजिटल माध्यम से की जाएंगी। उत्तराखंड के लोगों से एक ही अपील करनी है कि दिल्ली में हमने काम किया है, उत्तराखंड में करेंगे। आपने भाजपा को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, एक मौका केजरीवाल को दीजिए, एक मौका कोठियाल साहब को दीजिए, एक मौका झाड़ू की बटन दबाइए एक बार। और चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी सियासी दल तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आप कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस दौरान केजरीवाल ने कहा है कि हमारी पार्टी के लिए चुनाव सत्ता का साधन नहीं है, पूरा सिस्टम बदलना होगा। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव सत्ता पाने का एक साधन नहीं है, हमारे लिए ये एक पार्टी को बदल के दूसरी पार्टी का शासन लाने का जरिया नहीं है। पार्टियां बदलने से कुछ नहीं होगा, 70 साल हो गए पार्टियां बदलते बदलते, कुछ बदला? सब कुछ वैसा का वैसा है। हमें सिस्टम बदलना है, सिस्टम बदलना होगा, पूरा का पूरा सिस्टम बदलना होगा। आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव देश और समाज में परिवर्तन करने का एक जरिया है, हमारे लिए चुनाव बदलाव लाने का एक मौका है। चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई और इसी बीच आचार संहिता लगते ही देहरादून में नगर निगम के साथ में प्रशासन हरकत में है। पूरे शहर भर में होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर हटाने का काम जोरों पर है। लगातार दूसरे दिन भी नगर निगम की टीम सड़क, इमारतों और लोगों के घरों के बाहर लगे बैनर पोस्टर को हटाने में लगी हुई है। कल रात से ही जैसे आचार संहिता लागू हो गया, कल 3:30 बजे से तत्काल ही हम लोगों ने जो है इस पे जहाँ जहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी का डिफेसमेंट है वहाँ सब पे प्रशासन की, नगर निगम की और फ्लाइंग स्क्वाड की टीम एक्टिवेट हो गई थी और अभी सुबह से भी जो है नगर निगम की टीम्स, प्रशासन की टीम्स वहाँ पे जहाँ जहाँ जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे जहाँ जहाँ लगी हुई हैं पॉलिटिकल पार्टीज के पोस्टर्स, बैनर्स इत्यादि, वो उतारे जा रहे हैं।
कार्रवाई अभी लगातार चल रही होगी। नंबर 48 आवर्स में जो है सभी पब्लिक बिल्डिंग्स पर, विद इन 72 आवर्स सभी प्राइवेट बिल्डिंग्स में भी, अगर उनके परमिशन के बिना लगाया गया है प्राइवेट बिल्डिंग्स में, तो वो भी उतार दिए जाएंगे। और हल्द्वानी में जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव की तैयारियों को लेकर कहा है कि आदर्श आचार संहिता को लेकर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं और कोविड से बचाव के लिए पहली प्राथमिकता होगी मतदाताओं को मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स और फेस शील्ड दिए जाएं। कोविड पॉजिटिव मरीज पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करेंगे। पूरे जनपद में लगभग 7,72,000 करीब हमारे वोटर्स हैं और वोटर्स के नाम जोड़ने का क्रम जो है लगातार अभी फिलहाल चलता रहेगा जब तक कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होती है। हमारे जनपद में लगभग 1,005 पोलिंग बूथ हैं और 3 ऑक्सिलरी बूथ हमारे बढ़ेंगे, क्योंकि 1250 की संख्या जो उसको पार करके जितने भी बूथ हैं उसमें ऑक्सिलरी बूथ बनाने की व्यवस्था है। तो और देश भर में कल सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। प्रकाश पर्व के मौके पर देहरादून में सीएम धामी ने गुरुद्वारे में मत्था टेका और साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को प्रकाश पर्व की बधाई भी दी थी। आज गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है। मैं प्रकाश पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और गुरु गोविंद सिंह जी ने हम सब के सामने एक रास्ता रखा, एक मार्गदर्शन रखा और उन्होंने कहा कि हमेशा शक्ति होनी चाहिए और शक्ति के साथ साथ संगठन होना चाहिए। 1,25,000 से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बांस तोड़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह में नाम कहा हूँ। और आज उनके इस पवित्र दिवस पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी 26 दिसंबर को, जिस दिन उनके साहबजादों का बलिदान दिवस है, उस दिवस को बाल वीरता दिवस के रूप में उस दिवस को दिवस का नाम रखा है। मैं वीर दिवस का मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओएसडी नंदन सिंह बिष्ट की वापसी हो गई है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले ही सीएम धामी ने वापसी के निर्देश जारी कर दिए हैं। ओएसडी नंदन सिंह बिष्ट को 11 दिसंबर को बर्खास्त किया गया था। ओएसडी नंदन सिंह बिष्ट पर बागेश्वर के एसपी को 3 गाड़ियों के चालान रद्द करने के निर्देश देने का आरोप था और इस मामले में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरा था। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। मायावती ने कहा है कि कोरोना काल में होने जा रहे चुनाव को निष्पक्ष कराना आयोग की जिम्मेदारी है, इसमें सरकारी मशीनरी और भ्रष्ट अधिकारी कोई गड़बड़ी ना कर सकें, इसके लिए भी आयोग को कड़े कदम उठाने चाहिए। साथ ही बीएसपी अध्यक्ष ने उत्तराखंड में अपनी पार्टी की बड़ी जीत का दावा किया। उत्तराखंड वह पंजाब आदि इन राज्यों की जनता में स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के प्रति विश्वास को कायम करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि चुनाव आयोग यहाँ अपने आदर्श चुनाव आचार संहिता को पूरी शक्ति से लागू कराने के लिए ठोस कार्रवाई अवश्य करें। स्टेट में भी इस बार हमारी पार्टी पहले से बेहतर रिजल्ट लाएगी। हमारी पार्टी का चुनाव आयोग से विशेष अनुरोध भी है, खासकर दलित व अन्य कमजोर वर्गों के लोग अति संवेदनशील पोलिंग बूथों पर अपना वोट डाल सकें। इस मामले में भी चुनाव आयोग को काफ़ी सख्त कदम उठाने होंगे, वरना इन वर्गों के लोग अपना वोट डालने से वंचित रह जाएंगे। और उत्तराखंड में वन्य जीव तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है। उधम सिंह नगर में कुमाऊं एसटीएफ और तराई केंद्रीय वन प्रभाग के पीपल पड़ाव रेंज ने रुद्रपुर से एक वन्य जीव तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी से एक दुर्लभ प्रजाति का 34 किलो का पेंगुलिन बरामद किया गया है।
एसटीएफ ने आरोपी के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। वहीं आरोपी के साथी की तलाश की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ कुमायूं और त्राई केंद्रीय बनपरा की टीम द्वारा मैथुस मोड़ के पास से एक जिंदा पेंगुलिन बरामद किया गया है। इसको कुछ लोग मोटरसाइकिल से लेके कहीं बेचने जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर हमने ये मैथुस मोड़ के पास इसको पकड़ने का प्रयास किया तो अपराधी जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो कट्टा करा के भागने लगा। पीछे बैठे व्यक्ति को हम लोगों ने पकड़ लिया। जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम सुखविंदर सिंह बताया और ये नानकमत्ता के पास कहीं सलामती है, वहाँ का रहने वाला है। इससे पूछा गया इसके साथ कौन था तो ये बरहनी का कोई सुनील नाम के व्यक्ति बताया, इसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। और हरिद्वार में गुलदार का शावक मरा पड़ा मिला है। खेतों के पास सड़क पर गुलदार के शावक का शव देखकर इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया। मामला हरिद्वार ग्रामीण के फेरूपुर का है, जहां पर गांव वासियों ने वन विभाग को मामले की सूचना दी। वन विभाग की टीम ने शावक का शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और शुरुआती जांच में किसी गाड़ी की टक्कर से शावक की मौत होने की आशंका है। वहीं उधम सिंह नगर पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एसओजी टीम ने जोधपुर में चेकिंग के दौरान एक कार से एक क्विंटल 525 ग्राम गांजा बरामद किया है और तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। अभियुक्तों के कब्जे से 4 मोबाइल, 6,000 कैश, पैन कार्ड, डीएल पहचान पत्र और एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। मेन रोड पर हमारी टीम ADTF और SOG की टीम वाहनों की चेकिंग कर चेकिंग के दौरान उन्होंने एक XUV दिल्ली नंबर की गाड़ी थी उसको इंटरसेप्ट किया। उसमें 4 लोग संदिग्ध परिस्थितियों में मिले। गाड़ी का चेकिंग किया। चेकिंग करने पर इसमें अलग अलग 3 प्लास्टिक के जो कट्टे हैं उसमें 1 क्विंटल 525 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये आंकी गई है। इनसे 4 मोबाइल और लगभग 6,000 रुपया बरामद हुआ है। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर, उत्तरकाशी में तीसरे दिन भी बारिश और बर्फबारी जारी है। बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आई है। सर्द हवाओं से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं और बारिश के कारण यमुनोत्री हाईवे कल्याणी के पास बंद हो गया है। जिले के 100 से ज्यादा गाँव में संचार और कनेक्टिविटी पूरी तरह से ठप हो गई है। तो उत्तरकाशी में लगातार पिछले 3 दिनों से भारी बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से अब स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। सर्द हवाओं से लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। लगातार पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी ठंड का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। लगभग 100 गाँव से कनेक्टिविटी पूरी तरह से कट चुकी है। और उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने से ठंड बढ़ गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री समेत ऊंचाई वाले तमाम इलाकों में बर्फबारी हुई है। पहाड़ों पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। टिहरी और उत्तरकाशी में भी हालात ऐसे ही हैं। बारिश बर्फबारी के बाद लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। कई जगह रास्ते बर्फबारी की वजह से बंद हो गए हैं। तो ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है और अब लोगों की मुश्किलें भी इस बर्फबारी से बढ़ने लगी। हालांकि जो पर्यटक काफी संख्या में पहुंच रहे हैं वह इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रही हैं। और उत्तराखंड में इस वक्त कुदरत पूरी तरह से मेहरबान है। मौसम के सफेद रंग ने जहां पर्यटकों की जिंदगी को रंगीन बना दिया है, वहीं स्थानीय लोगों की मुसीबतें भी बढ़ा दी है। रास्ते बंद हैं, लेकिन फिर भी नजारों के चाहने वाले उत्तराखंड की वादियों का लुत्फ उठाने पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी ने जहां जन्नत को जमीन पर उतार दिया है, वहीं सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। बर्फबारी से धार्मिक स्थलों की रौनक और बढ़ गई है। बद्रीनाथ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भगवान बद्री विशाल का मंदिर पूरी तरह बर्फ में ढक गया है। यहाँ श्रद्धालु तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें आपकी आस्था को और मजबूत कर देंगी।
इसी तरह की तस्वीरें गंगोत्री धाम से भी सामने आई हैं। गंगोत्री धाम में पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बर्फबारी की वजह से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुखी टॉप से गंगोत्री तक यातायात के लिए बंद हो गया है। साथ ही गांव के पैदल रास्ते भी बर्फ से ढक गए हैं। उत्तरकाशी जिले में भी पिछले दो दिन से लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। बर्फ से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। पर्यटन व्यवसायी भी खुश नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी के सुखी गांव से दिलकश नजारों की तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि ये खूबसूरती कुछ दिक्कतें भी साथ लाई है। कई रास्ते पूरी तरह बंद हो गए हैं, जिन्हें खोलने का काम लगातार जारी है। नई टिहरी में भी बीती रात से लगातार बर्फबारी हो रही है। दिल्ली और आसपास के इलाकों से पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाने चंबा और टिहरी पहुंच रहे हैं। पर्यटकों के पहुंचने से यहां के होटल कारोबारी भी बेहद खुश हैं। कोरोना की वजह से व्यापार ठप होने के बाद बर्फबारी ने एक बार फिर होटल कारोबारियों में जान फूंक दी है। कई जगह पर रास्ते बंद पड़ने के बाद उन्हें खोलने का सिलसिला जारी है। मेरे को सुबह से ये बर्फबारी शुरू हो गई थी 6 से 7 बजे से, और टूरिस्ट हैं काफ़ी इंतज़ार करते हैं इस चीज़ का कि बर्फ़ देखने को मिले, और काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं यहाँ पे। बर्फ से ढके ये पहाड़ हर किसी को अपनी तरफ खींचते हैं। देशी विदेशी पर्यटक बर्फ का लुत्फ ले रहे हैं, प्रकृति का आनंद उठा रहे हैं। हालांकि कई जगह पर ये बर्फबारी मुसीबत भी लेकर आती है। स्थानीय लोगों की जिंदगी पर इससे काफी असर पड़ता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी 2 और दिन तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश के डबल अटैक ने जहां एक तरफ ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। सफेद हुए पहाड़, ठंड बेशुमार, बर्फबारी और बारिश का डबल अटैक, बर्फीली वादियों में सैलानियों की मस्ती, जनजीवन अस्त व्यस्त, घरों में दुबके ग्रामीण, गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त। जी हाँ, इन दिनों सफेद पहाड़ है और ठंड बेशुमार है। घरों में लोग दुबके हुए हैं, सड़कों पर फिसलन है और पर्यटकों से वादियां गुलजार हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश के डबल अटैक ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सैलानी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। केदार घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। मधमहेश्वर, तुंगनाथ, चोपता, कार्तिक स्वामी, तोशी, पंचाली कांठा सहित अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले इलाकों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहां अब तक 1.5 फीट तक बर्फ गिर चुकी है। बारिश के कारण गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग के भीमली में विशालकाय पत्थर गिरने से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं दूसरी ओर मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले चोपता में बर्फबारी होने से सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। यहां इस साल सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के कारण चोपता गोपेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग भी बाधित हो गया है। राजमार्ग को खोलने के लिए जेसीबी मशीनें जुटी हुई हैं। केदार घाटी क्षेत्र में सुबह से ही काफी बारिश हो रही है। यहां पर काफी बारिश के कारण आम जनजीवन परेशान है, आम जनजीवन घरों में रहने को मजबूर है। तो वहीं उत्तरकाशी में भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुखी से आगे बंद हो गया है। जिले के गंगोत्री, यमुनोत्री धाम सहित हर्षिल, मुखवा, सुखी में बीते कई घंटों से बर्फबारी हो रही है। और फिलहाल रुकते हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।